गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम से प्रूफ करने के लिए कहा है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा लेफ्ट लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टैन है, टैन पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस एक्स और अपॉन टैन टैन पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, इसको फॉर्मूला तोड़ देते हैं। टैन फॉर्मूला आपके पास क्या है, टैन ऑफ ए प्लस बी, तो क्या होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, एक फार्मूला होता है। बस एक ही जगह पर पाई बाई फोर है और बी की जगह पर एक्स, तो क्या होगा, तो टैन पाई बाई फोर प्लस टैन ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन ऑफ एक्स, उसी तरह से टेन पाई बाई फोर माइनस टेन ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला पर है बस। ये देखो, ये अपॉन है, तो अब चलो सबकी वैल्यू रखते हैं और वैल्यू रख करके सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला पर है, प्लस वाला प्लस में माइनस वाला माइनस, तो देखो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन, वन प्लस टेन ऑफ एक्स, ठीक। और नीचे क्या है, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन, तो वन माइनस टेन एक्स, वन माइनस टेन एक्स, और इसके बाद ये टेन पाई बाई फोर वन, वन माइनस टेन एक्स, और ठीक नीचे वन टेन पाई बाई फोर वन, वन प्लस टेन एक्स। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हो, वन प्लस टेन एक्स और अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू ये वन प्लस टेन ऑफ एक्स और अपॉन वन माइनस टेन ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या हुआ, डिवाइड है, डिवाइड से आप सॉल्व करते हो। देखो इसको इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स पूरे का होल स्क्वायर दो बार, और इसी तरह ये हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, पूरे का है तो जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो, तो इसको ए अपॉन बी का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स पूरे का, ये हो गया होल स्क्वायर। आ गया राइट हैंड साइड, ये हो गया रूट, ठीक है। देख लेते हैं, हाँ स्टूडेंट्स को देखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा है कि कॉस प्रॉब्लम नंबर एट, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स कॉस पाई प्लस एक्स, इसको सॉल्व करना और लाना क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स, ये ले आना। तो ठीक है, और चलो देखते हैं फॉर्मूला को, इस तरह अरे कॉस पाई प्लस एक्स का मतलब, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो 180 डिग्री, और प्लस एक्स का मतलब ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा फर्स्ट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और जब भाई थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस तो नेगेटिव होगा और टेन कॉट पॉजिटिव होगा, लेकिन वैल्यू हम कॉस निकालें तो माइनस कॉस एक्स मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसी जगह पर फॉर्मूला रखो, माइनस कॉस एक्स, और कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो गया कॉस एक्स। अब कॉस पाई माइनस एक्स के लिए, इसके लिए कहाँ जाओगे आप, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, पाई माइनस एक्स का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहे जाएंगे तो कॉस तो वहां साइन और कॉस तो क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहां तो हो जाएगा साइन, साइन का साइन ही रहेगा, साइन एक्स आएगा पॉजिटिव में, और कॉस पाई प्लस एक्स अगर पाई मतलब 90 प्लस एक्स, अगर 90 प्लस एक्स की बात करो तो 90 प्लस एक्स का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट चलेगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव यहां रहेगा तो माइनस आप यहां रखा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, और इसमें चेंज भी होता है। सब फार्मूला है, सब फार्मूला फार्मूला वगैरह आपको नहीं पता है तो आप हमारे पिछले रिकॉर्डेड वीडियो देखिए,
उसमें पार्ट के नाम से है और सब फार्मूला हमने बारे में बताया हुआ है, उसको आप जरूर देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। माइनस ये खत्म हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये हो गया साइन अपॉन कॉस हो गया, कॉस 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 मतलब कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स ये आ गया राइट हैंड साइन, ये बन गई। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 8 हो गया।